वही जेएनयू में छात्रों पर जानलेवा हमले के खिलाफ गुस्सा रायपुर में भी देखने को मिल रहा है, जहां रात को जय स्तंभ चौक पर वर्तमान केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। इन लोगों ने जुलूस भी निकाला। रात में इस प्रदर्शन का जायजा लेने के लिए हमारे संवाददाता रूपेश गुप्ता पहुंचे थे, चलिए दिखाते हैं। जेएनयू में जो छात्रों पर हिंसक हमले हुए उसके खिलाफ रायपुर में आक्रोश उभरा है। यहाँ शहर के लोग स्वस्फूर्त जयस्तंभ चौक पर खड़े हो गए हैं और केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस और जेएनयू प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ये लोग आपत्ति जता रहे हैं कि छात्रों पर इस तरह के कार्यालय हरकत कैसे की गई। आरोप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पर लगा हुआ है। हम बातचीत करते हैं और जानते हैं हमारे साथ दुनियाशील है, इस हमले को लेकर के क्या मैसेज दिया जा रहा, क्यों ये हमला हुआ होगा? संक्षिप्त ये एक लाइन में बात यह है कि 65% आबादी जो युवा है वो जाग गई है और वो समझती है, पढ़ी लिखी है, वो समझ रही है कि ये क्या करना चाह रहे हैं। वो खुल के विरोध कर रही है और वो अपना सब कुछ दांव पे लगा चुके हैं। उनको समझ में आ गया है कि अब इनके पास क्या रास्ता है, हिंसा का रास्ता है, उनको मारने पीटने का रास्ता है। सबसे खतरनाक ये है कि ये कैंपस के अंदर घुस के मारपीट करना शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि जामिया में और बाकी जगहों पर पुलिस घुस गई कैंपस के अंदर। आज ये गुंडे बेच करके ऐसा कर रहे हैं, और पुलिस कैंपस में इससे पहले घुसती आई है। हालात चिंताजनक है और उसी चिंता के तहत तमाम जो शहर के बुद्धिजीवी हैं, जो आम लोग हैं, वो रायपुर पर इकट्ठा हुए हैं, रायपुर के जयस्तंभ चौक पर, और जेएनयू में जो हिंसक घटना हुई है उसका विरोध कर रहे हैं। रायपुर से रूपेश गुप्ता।